देश में लाखों करोड़ रुपए के इन विकास कार्यों से सबसे ज्यादा दिक्कत अगर किसी को है तो वो है कांग्रेस और उसके गमंडिया गठबंधन। क्या इतनी तेजी से काम भी हो सकते हैं क्या? और इसलिए अब विकास के मुद्दों पर चर्चा करने की उनकी ताकत बची नहीं। 10 वर्षों में देश इतना बदल गया लेकिन कांग्रेस और उसके दोस्तों का चश्मा नहीं बदला और केवल नेगेटिविटी। यही कांग्रेस और इंडी गठबंधन वालों का चरित्र बन गया है। देश ने आज आधुनिक कनेक्टिविटी की तरफ एक और बड़ा अहम कदम उठाया है। मुझे खुशी है कि आज मुझे द्वारका एक्सप्रेसवे को देश को समर्पित करने का अवसर मिला है। इस एक्सप्रेसवे पर 9000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए गए हैं। आज से दिल्ली हरियाणा के बीच यातायात का अनुभव हमेशा के लिए बदल जाएगा। ये आधुनिक एक्सप्रेसवे केवल गाड़ियों में ही नहीं बल्कि दिल्ली एनसीआर के लोगों की जिंदगी में भी गियर शिफ्ट करने का काम करेगा। मैं दिल्ली एनसीआर और हरियाणा की जनता को इस आधुनिक एक्सप्रेसवे के लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। पहले की सरकारें छोटी सी कोई योजना बनाकर छोटा सा कार्यक्रम करके उसकी डुगडुगी 5 साल तक पीटते रहते थे। वहीं भाजपा सरकार जिस रफ्तार से काम कर रही है उसमें शिलान्यास लोकार्पण के लिए समय कम पड़ रहा है, दिन कम पड़ रहे हैं जी। साल 2024 में ही यहां के लोग तो ज्यादा समझदार है, आप सुनिए, 2024 में ही यानी अभी 2024 का 3 महीना भी पूरा नहीं हुआ है, इतने कम समय में अब तक 10 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं का या तो शिलान्यास किया है या तो लोकार्पण हो चुका है। और आप देखिए 5-5 साल में कभी आपने सुना नहीं होगा, देखा नहीं होगा, 2014 के पहले का जमाना जरा याद करिए, आज भी यहां एक दिन में देश भर के लिए 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की 100 से अधिक परियोजनाओं का या तो लोकार्पण हुआ है या शिलान्यास हुआ है। इनमें दक्षिण में कर्नाटका, केरला, आंध्र प्रदेश के विकास कार्य है, उत्तर में हरियाणा और यूपी के विकास कार्य है, पूर्व में बिहार और बंगाल के प्रोजेक्ट्स हैं और पश्चिम में महाराष्ट्र, पंजाब और राजस्थान के लिए हजारों करोड़ रुपयों के विकास परियोजनाएं हैं। कि आज युवाओं को रोजगार के कितने नए अवसर मिल रहे हैं,
देश के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को कितनी ताकत मिल रही है। साथियों, देश में लाखों करोड़ रुपए के इन विकास कार्यों से सबसे ज्यादा दिक्कत अगर किसी को है तो वो है कांग्रेस और उसके गमंडिया गठबंधन। उनकी नींद हराम हो गई है। इतने सारे विकास के काम और वह एक की बात कर रहे हैं तो मोदी 10 और कर देता है। उनको समझ ही नहीं आ रहा है क्या इतनी तेजी से काम भी हो सकते हैं क्या। और इसलिए अब विकास के मुद्दों पर चर्चा करने की उनकी ताकत बची रही है। और इसलिए वो लोग कह रहे हैं कि मोदी चुनाव की वजह से लाखों करोड़ रुपयों के काम कर रहा है। 10 वर्षों में देश इतना बदल गया लेकिन कांग्रेस और उसके दोस्तों का चश्मा नहीं बदला है। इनके चश्मे का नंबर अभी भी वही है, ऑल नेगेटिव, ऑल नेगेटिव। नेगेटिविटी और केवल नेगेटिविटी, यही कांग्रेस और इंडी गठबंधन वालों का चरित्र बन गया है। ये तो वो लोग हैं जो केवल चुनावी घोषणाओं की सरकार चलाते थे। इन्होंने 2006 में नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत 1000 किलोमीटर एक्सप्रेसवे बनाने का ऐलान किया था, लेकिन ये लोग घोषणा कर करके घोंसले में घुस गए, हाथ पर हाथ रख करके बैठे रहे। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे की बातें 2008 में की गई थी, लेकिन इसे पूरा हमारी सरकार ने 2018 में किया। द्वारका एक्सप्रेसवे और अर्बन एक्सटेंशन रोड का काम भी 20 वर्षों से लटका था। हमारी डबल इंजन की सरकार ने सभी मुद्दों को सुलझाया और हर प्रोजेक्ट को पूरा भी किया। आज हमारी सरकार जिस काम का शिलान्यास करती है उसे समय पर पूरा करने के लिए भी उतनी ही मेहनत करती है। और तब हम ये नहीं देखते हैं कि चुनाव है या नहीं। आज आप देख लीजिए, देश के गांवों को लाखों किलोमीटर ऑप्टिक फाइबर केबल से जोड़ा गया है। चाहे चुनाव हो या ना हो, आज देश के छोटे छोटे शहरों तक में एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं। चाहे चुनाव हो या ना हो, आज देश के गांव गांव तक सड़कों का निर्माण किया गया है। चाहे चुनाव हो या ना हो, हम टैक्स पेयर के एक एक पैसे की कीमत जानते हैं और यही कारण है कि हमने योजनाओं को तय बजट और तय समय में पूरा किया है। पहले इंफ्रास्ट्रक्चर की घोषणा चुनाव जीतने के लिए होती थी, अब चुनाव में इंफ्रास्ट्रक्चर के काम पूरे होने की बात होती है। यही नया भारत है। पहले डिले होते थे, अब डिलीवरी होती है। पहले विलंब होता था, अब विकास होता है। आज हम देश में 9000 किलोमीटर हाई स्पीड कॉरिडोर बनाने पर फोकस कर रहे हैं। इसमें से करीब 4000 किलोमीटर हाई स्पीड कॉरिडोर बनकर तैयार हो चुका है। 2014 तक सिर्फ 5 शहरों में
मेट्रो की सुविधा थी, आज 21 शहरों में मेट्रो की सुविधा है। इन कामों के पीछे लंबी प्लानिंग लगती है, दिन रात की मेहनत लगती है। ये काम विकास के विजन से होते हैं, ये काम तब होते हैं जब नीयत सही होती है। अगले 5 वर्षों में विकास की ये गति और कई गुना तेज होगी। कांग्रेस ने 7 दशक तक जो गड्ढे खोदे थे वो अब तेजी से भरे जा रहे हैं। अगले 5 वर्ष अपनी इस नींव पर बुलंद इमारत बनाने का काम होने वाला है और ये मोदी की गारंटी है। साथियों, आप सभी को इस विकास के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप, मेरा सपना है 2047 तक हमारा देश विकसित होकर रहना चाहिए। आप सहमत हैं? देश विकसित होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्या हमारा हरियाणा विकसित होना चाहिए? ये हमारा गुरुग्राम विकसित होना चाहिए? ये हमारा मानेसर विकसित होना चाहिए? हिंदुस्तान का कोना कोना विकसित होना चाहिए? हिंदुस्तान का गांव गांव विकसित होना चाहिए? तो विकास के उस उत्सव के लिए आइए मेरे साथ, अपने मोबाइल फोन बाहर निकालिए, अपने मोबाइल फोन की फ्लैश लाइट चालू कीजिए और ये विकास के उत्सव को इनवाइट कीजिए। आप चारों तरफ, मंच पर भी मोबाइल फोन वाले जरा, चारों तरफ जिन जिन के पास मोबाइल है, हर एक के मोबाइल फोन का फ्लैश लाइट चले। इस विकास का उत्सव है ये, विकास का संकल्प है ये, आपकी भावी पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए मेहनत करने का संकल्प है, जी जान से जुटने का संकल्प है। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की।